हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल एफटी। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये कुछ सब्जेक्ट का नहीं है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का इस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक नहीं है, ये है आप बीबीएस का जो पेज होता है एक्सेल में उसको आप लोग कैसे सेट अप करेंगे। ठीक है, उसको कैसे सेट करते हैं एक्सेल में, वो इसी के ऊपर से मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैं ये वाला आप लोगों को बनाया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत काम में आए थे। तो आज के वीडियो में मैं एक नया शीट ओपन कर लिया और उसमें नाम दे दिया मैं BBS, और उसको कैसे सीट प्रिपेयर करते हैं उसी को मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले पूरा कुछ दूर तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मार्ज और सेंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है सब कोई BBS के ऊपर ही आने वाला है। ठीक है, तो उसको मार्च कर दिया। नेक्स्ट 3 लाइन में ऐसे ही मार्च और सेंटर कर ले जाऊँगा। सिलेक्ट किया, शिफ्ट और लेफ्ट नेविगेशन राइट नेविगेशन की को प्रेस करके उसके बाद मार्च और सेंटर पर क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और ये 4 नंबर है, मार्च और सेंटर पर क्लिक कर दिया। अब इसका नाम डालना है ऊपर में, क्या का नाम डालना है, पहले आपको पूरे पेज को सेटअप करके कैलिबरी है उसको मैं टाइम्स न्यू रोमन और उसको साइज में 12 कर दिया, 12 एंटर। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर नाम लिखना है, वर्क नेम, क्या काम हो रहा है इसका नाम लिखना पड़ेगा, कोलोन। उसके बाद क्या होगा, अभी BBS नाम दिया। ठीक है, उसको आपको सेंटर कर लेना है, सेंटर लाइन, क्लाइंट नेम, किस क्लाइंट का ये BBS है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर नेम। ठीक है, आप टोटल को सिलेक्ट करके आप लेफ्ट अलाइन कर दीजिए। ठीक है, आप इधर क्या लिखना होगा, इधर आपको लिखना होगा, आप बोल्ड कर दिया मैंने, उसके बाद लिखना होगा BBS और बार बेंडिंग शेड्यूल, SHDULE। ओके, बार बेंडिंग शेड्यूल, ये हुआ आपका टाइटल शीट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको मैं सेंटर कर दिया और थोड़ा साइज बड़ा कर दिया मैंने, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया। ओके, इतना तक क्लियर, उम्मीद है इतना तक क्लियर हो गया। तो अब आ रहा है मेन स्टेप। मेन स्टेप पे क्या क्या होता है, आपका बहुत सारे कलम बनाना पड़ता है और एक ही बार करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट में टाइप रहता है, किस टाइप का बार होगा, बार डाया, नेक्स्ट में और इन बार डाया इन MM, जो जो होगा सब मिलीमीटर में होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मीटर होगा मैं मेंशन कर दूंगा कि ये वाला चीज़ मीटर पर है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब कितना आइटम सिमिलरिटी है, सपोज़ 1 बीम 2 बीम तो कितना बीम हुआ, कितना यूनिट हुआ, 2 बीम 2 यूनिट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बर्ड्स, क्लियर डिस्टेंस जो हमको बोलता है उसको सेट करके, सेल को सेट करके रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बर्ड्स पर यूनिट, एक यूनिट अगर 2 बीम है तो 1 बीम में कितना बार है, सपोज़ 4 बार है, सपोज़ 6 बार है, तो उसी को आपको एंटर करना पड़ेगा। ऐसे टोटल नंबर ऑफ बार्स, टोटल नंबर ऑफ बार्स लिखना होगा, रैपटेक्स पर क्लिक कर दिया, टोटल नंबर्स कितना होगा वो भी मैं फॉर्मूला करके आपको दिखा दूंगा। बार नेम, मेन बार है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो आपको दिखा दूंगा। छोटा नंबर बस कैसे होगा, एक में अगर 6 हुआ तो 2 यूनिट में कितना रहेगा, 12 रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, बार नेम और लोकेशन, और इधर होगा आपका
थोड़ा इधर छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मुझे क्या करना है कि थोड़ा डाउन एक रो और लेकर इसको मार्जर सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप को सिलेक्ट करके दो रो सिलेक्ट किया, एक रो सिलेक्ट किया ज़्यादा और मार्जर सेंटर कर दिया एक रो। ठीक है, एक्स्ट्रा एक रो सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज सेटअप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे करके सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आपको फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पेज सेटअप करना, क्योंकि आपके यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो BBS के ऊपर तो बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन वो सब हाथ में किया हुआ है। लेकिन आपको साइट में अगर प्रैक्टिकली करना है, जो लोग साइट इंजीनियर होते हैं उसको एक्सेल में ही काम करना पड़ता है। आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 9-10 सेल आपको सिलेक्ट करके मार्च कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको तो सेट करना होगा। ठीक है, ऐसे करके रैप टेस्ट करके आप लोग सेट करेंगे इसको। ठीक है, और कुछ नहीं, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, बस बार नेम लोकेशन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इधर लिखना है डायमेंशंस। ओके, ये डायमेंशन सबको तब समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक जो बार होता है ऐसे करके ABCD करके आपको फिलअप करना है कुछ A4G तक। ठीक है, और आई तक, आई और जे तक। ठीक है, ऐसे करके फिलअप करना कि एक बार जो रहता है उसमें तो कुछ क्रैंक होता है, कुछ एल शेप का होता है, तो उसी एल को मैं पार्ट किया, एक छोटा वाला सा पार्ट, एक लंबा वाला सा पार्ट। ये जब मैं BBS कराऊंगा तब आपको दिखने में आएगा। आज फिलहाल एक सिर्फ कैसे सीट को प्रिपेयर करते वही देख लीजिए। अब देखिए, बॉर्डर में दे दिया पूरा सिलेक्ट करके, ऑल बॉर्डर कर दिया। वीडियो को पॉज करके धीरे से देखना। ठीक है, धीरे से देखना, और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अच्छे से टाइम लगता है कम करने के लिए। ठीक है, इतना तक हो गया, इतना तक क्लियर, कुछ टफ सी मैं चीज़ नहीं कर रहा हूँ। अब इधर क्या होगा, इधर आपको लेना है लेंथ ऑफ ईच बार। ओके, लेंथ ऑफ ईच बार इन mm। इन mm कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको रैप टेस्ट कर दूंगा मैं, सिंपली इसको रैप टेस्ट कर देना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, इधर और एक प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स लिया था ना, इसको मैं एक और सेल लेकर मार्च कर लाऊँ। ठीक है, उसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इको कीजिए और बाकी सब फॉर्मेट प्रिंटर लगा दीजिए। वो है ना होम टैब के उधर फॉर्मेट प्रिंटर, उसी के हिसाब से करना पड़ेगा फॉर्मेट प्रिंटर। ऐसे तो मार्च नहीं हो रहा है, चलिए फॉर्मेट प्रिंटर लगाते हैं। मार्च किया, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया, BBS सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर सी सिलेक्ट, फॉर्मेट प्रिंटर डी सिलेक्ट, फॉर्मेट होम टैब के अंडर क्लिपबोर्ड का जो रिबन है उसमें है। ठीक है, ऐसे करके सबको करना पड़ेगा। ठीक है, एक सीट आप मेहनत करके प्रिपेयर कर लीजिए अपने हाथ से। ठीक है, अपने हाथ से जब तक आप नहीं करेंगे तब सीख नहीं पाएंगे। कर लीजिए, नेक्स्ट BBS में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो बीम का BBS हो, कलम का BBS हो, सबका BBS को आपको एकदम इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा सा BBS चेयर वर्क का BBS दिखाऊंगा, छोटा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा BBS बाद में आएगा। ठीक है, ऊपर में मैं सेट कर लिया कुछ सेल और नाम दे दिया टोटल लेंथ इन मीटर। ओके, उसके बाद और थोड़ा सेल
सेलेक्ट करते मैं बॉर्डर दे दिया और उसको मार्च कर दिया। अब इधर होगा मेरा टोटल, नहीं ये होगा बार डाया इन एमएम, बहुत सारे का बार होता है ना, 8, 10, 12 ऐसे करके हो गए। सबको सेट करके मैं सेंट अलर्न कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सबको सेल को सेट करके आपको फॉर्मेट सेल पर जाना है और उसके बाद नंबर्स पर जाना है। नंबर्स में जाकर उसको उसको दो डिजिट पर क्लिक कर देना है, पॉइंट के बाद दो डिजिट आपको दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, धीरे से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। और इधर आपको देना है वेट इन, एमटी, ओके, मेट्रिक टन, ओके। तो हो गया ना इतना तक पूरा क्लियर, उम्मीद है आपको इतना तक क्लियर हो गया। दो सेल बाकी था तो मैं उसी को भी कर दिया, ठीक है। अब आ रहा है फॉर्मूला वाली केस, जो मोस्ट वाइटल चीज़ होता है, ठीक है। हाँ, एक सीट आप प्रिपेयर कर लीजिए तो बाकी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेहनत आप एक ही बार कीजिए, 10 बार नहीं। सिर्फ इसलिए तो मैं एक ही वीडियो में इतना टाइम लगा रहा हूँ, बहुत टाइम, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। लेकिन आपको पेज सेटअप तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा नहीं इस वीडियो में आ रहे कि कहाँ से क्या हो गया। चलिए आप आगे बढ़ते हैं इसका फॉर्मूला की तरफ। मेरा शीट, ऊपर वाला शीट कंप्लीट। अब होगा आपका फॉर्मूला वाली केस, होना क्या होगा, टाइप पे टाइप होगा, बार डाया में बार डाया देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना नंबर का है वो देंगे। इधर आप एक और सेल ऐड कर सकते हो, उसका है बार शेप, ये आप दे सकते हैं कि बार शेप कैसा होता है। और आप एक दे सकते हैं दो रो, जैसे फूडिंग होता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, दोनों तरफ से ही तो बार लगा हुआ रहता है ना, तो आपको समझना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। और एक होगा आपका क्लियर कवर, ताकि आपका पूरा चीज़ पूरा फॉर्मूला में काम करे, एक चेंज करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा। तो इधर तक हो गया कंप्लीट। अब एक और लो हो सकता है, वो है आपका क्लियर कवर। इतना तक हो गया और बाकी इधर हो सकता है क्लियर कवर, तो इसी को ही हम कर दे रहे क्लियर कवर, कि कितना क्लियर कवर है उसी का हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला पूरा जा जाएगा, ठीक है। नंबर बार्स पर यूनिट इक्वल टू राउंड, एच डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में तो आप वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर कवर वैल्यू पुट करें, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बार्स यूनिट राउंड, एच डायरेक्शन में जितना बार है और वाई डायरेक्शन में जो बार है माइनस 2 इंटू क्लियर कवर,
डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, ओके डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस वन इज इक्वल टू राउंड, जितना का टोटल लेंथ है उतना, माइनस टू इंटू ग्रेयर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस वन कॉमा जीरो, ओके ये ब्रैकेट में थोड़ा मसला हो रहा है। थोड़ा ब्रैकेट में मसला हो रहा है। एक मिनट, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेशन में इधर, ओके नहीं ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में 150 दे दिया और एक स्टेशन का लेंथ सपोज 10 तो नहीं होगा, कुछ 10,000 होगा, 10 मीटर मतलब 10,000 mm, तो 10,000 हो गया। 10,000 होने के बाद नंबर ऑफ बर्ड्स पर यूनिट ये जो हो रहा है ये फार्मूला गलत है, तो मेरा फार्मूला में कुछ गलत हुआ है तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है। तो दूसरे एक बार देख लेते हैं, हाँ ये थोड़ा फार्मूला में ब्रैकेट में कुछ प्रॉब्लम है, फार्मूला यही होगा लेकिन ब्रैकेट का एक्सेल में जो फंडा है ना, ब्रैकेट को तो आपको थोड़ा ध्यान से देना चाहिए, मुझे लगता है ब्रैकेट थोड़ा क्लोज करने का जो तरीका है वो थोड़ा उल्टा हो गया। एक मिनट, आपको ये करना क्या है, प्लस वन कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर एंटर, तो इस सर एक जो ब्रैकेट होगा ये 201, तो नहीं नहीं 200, तो फार्मूला उधर सेम ही जा रहा है, तो इज इक्वल टू राउंड, फिर से लिख गया ठीक है, राउंड ब्रैकेट ओपन कर टोटल डिस्टेंस माइनस टू इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर ये सब वैल्यू का भूल जाइए, मैं फिलहाल आपको एक इधर ब्रैकेट इधर एक ब्रैकेट ओपन होगा और उसके बाद इतना वाला कैलकुलेशन पहले होगा डिवाइडेड बाय स्पेसिंग बाद में होगा ठीक है, फिर और एक बैकेंड ओपन होगा और प्लस वन होगा कमा जीरो, ओके अब इंटर दबाइए, उम्मीद है हो जाएगा, जितना बैकेट ओपन उतना बैकेट क्लोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, चलिए 2 ठीक है, अब ये है 10,000 जब होगा ये तो ये 67 के आसपास हो जाएगा ठीक है, मतलब हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ बार कितना होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ बार्स पर यूनिट, और आपका ये वाला इतना तक हो गया, अब आपको आ रहा है कि बार नेम एंड लोकेशन, मेन बार सब उसे मेन बार का डायरेक्शन में है तो आपको मेन बार देखना होगा, बार शेप इधर आपको ड्रॉ करना होगा, आप इंसर्ट में जाइए और इधर से आपको शेप सेलेक्ट करना है और एक ड्रॉ कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए उसके ऊपर और ब्लैक को सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है, अब आपको इस ए बी सी और डी का जो पोर्शन है इधर आपको वैल्यू एंटर करना पड़ेगा, इधर आप क्या एंटर करेंगे कि जो मैं एल शेप का दिखा था इधर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक आपको वैल्यू भरना है डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, ओके
एक्स डायरेक्शन में मिलीमीटर लिख दीजिए, वाई डायरेक्शन में मिलीमीटर लिख दीजिए, क्लियर कवर में भी मिलीमीटर लिख दीजिए ताकि समझ में आए कि ये मिलीमीटर में है सब। ठीक है, अब इक्वल टू देखा लेंथ ऑफ ईच बार इन एमएम, सबको प्लस करना पड़ेगा, ए से जी तक सबको समेशन करके आप प्लस कर दीजिए। अब देखिए, ए में अगर सब में 10 लिखा तो 10 आया, बी में अगर 22 लिखा तो 32 आया। ठीक है, ऐसे करके आपको डिपेंडिंग ऑन बार का पोजीशंस और शेप के हिसाब से आपको वैल्यू पुट करना है। अब आ रहा है ए 8 mm 10 mm का फंडा। ठीक है, और इधर एक चीज़ मैं भूल गया था, वो होगा बेंट और हुक अलाउड, बेंट हुक और हुक अलाउ, क्योंकि जो डिडक्शन होता है ना, सपोज एल सेप कर एक बार है तो 90 degree डिडक्शन, 90 degree बेंट के लिए तो आपको 2D डिडक्ट करना पड़ेगा, तो वही सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 8 वाला केस है, और हाँ तब लेंथ में क्या होगा, प्लस V8 मतलब 2D में इंटू डी, डी कितना है आपका बार mm में इंटू डी, ये सब डियर करना होगा, तो मैं प्लस दिया, क्यों प्लस दिया आप दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि कितना नंबर ऑफ बेंड डिडक्ट होगा, सपोज 2 - 2D होगा तो -2 में दे दिया, और इधर बार डाया में 8 दे दिया तो -2D हो गया ना, 2 × D ऐसे ही किया, इसलिए मैं प्लस दे दिया, क्योंकि मैं बेंड में तो माइनस दे चुका हूँ, इसलिए मैं टोटल लेंथ पर प्लस दे दिया। ठीक है, क्लियर। वीडियो बहुत ही धीरे से बना रहा हूँ, और आप भी बहुत धीरे से और ध्यान से देखना। ठीक है, इधर माइनस क्यों आ गया, क्योंकि मैं ए में कुछ वैल्यू दिया ही नहीं था इसलिए। ओके, देखिए एक ऐसे आपका वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर इतना तक। आप देखिए इधर आ रहा है आपका मेन स्टेप, BBS का जो फंडा मेन स्टेप होता है ये होता है। 8 mm बार की तरफ आप जाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, इज इक्वल टू इफ, ओहो इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन मैं थोड़ा भूल कर दिया, 8 को मैं पहले सिलेक्ट कर लिया था, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपको जिस बार में अगर B8 मतलब जिसमें आपका बार, जिस सेल में आपका बार का शेप कंटेन हो रहा है, उस अगर इज इक्वल टू 8 हो गया आपका 8 mm डाया का सेल में, तो कमा देकर आपको क्या करना चाहिए, तब आप टोटल लेंथ ऑफ ईच बार इंटू mm इंटू कितना नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट नंबर ऑफ बार्स टोटल टोटल जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसी को भी कमा ये स्लैश 1000 मतलब मीटर पे कैलकुलेट कीजिए, कमा 0। ओके, आ गया ना, तब ये क्यों किया मैंने, ताकि अगर बार में अगर 8 mm का बार है तो उस वो 8 mm एंट्री होगा, और 10 mm का है तो 10 mm एंट्री होगा, 12 का है तो 12 mm एंट्री होगा, ऐसे करके आपको 10 के अंडर में 10
बस आपको कॉपी करके पेस्ट करने के बाद 10 के अंदर में 10, 12 के अंदर में 12, 8 को कट के आपको 12 लिख देना है। उसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको 10 के नीच में 10, 12 के नीच में 12, 16 के नीच में 16, 20 के नीच में 20 25 का नीच में 25, 28 का नीच में 28, 32 का नीच में 32 लिख देना है। ये हुआ आपका से बार नंबर कैलकुलेट, सॉरी बार नंबर पुटिंग। अब आपको सेल ठीक करना है, क्योंकि मैं जब कॉपी पेस्ट किया तो वो सेल का नंबर चेंज हो गया। देखिए बार का डायमीटर जो कंटेंट कट है वो बी में कंटेंट कट है, वो सी हो गया। अब उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, तो चलिए उसको ही ठीक करते हैं। देख लीजिए आपका जो बार है आपको आई सेल लगेगा, सी बी सेल लगेगा और डब्ल्यू सेल लगेगा। टोटल आपको ये तीनों सेल ही लगेगा। तो आपको देखिए बार डाय आपका कौन सेल में जा रहा है, बी सेल में, तो आपको और इधर देखिए लेंथ ऑफ द बार किस में जा रहा है, डब्ल्यू में जा रहा है। और आपका जो 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 ये है टोटल नंबर ऑफ बार्स वो आई में जा रहा है। तो आपको बी बी हो जाएगा सी कट के, ये हो जाएगा आपका, अरे 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 रुकिए, ये हो जाएगा आपका ठीक है, डी कट के वो हो जाएगा बी, वाई कट के वो हो जाएगा आई और डब्ल्यू, सी होगा क्या, नहीं सी नहीं वो होगा आपका, सॉरी सॉरी सी गलत हो गया, ये सी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। ओके पहले इसको देखते हैं, ये डब्ल्यू हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका पहला वाला, अभी तो भूल था बी एट, और इधर आपका हो जाएगा आप मैनुअली भी एक को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर कॉपी पेस्ट किया तो थोड़ा मसला हो गया इधर, ठीक है, क्योंकि इधर आपको सी होगा ना, इधर आपको हो जाएगा डब्ल्यू एक और एक होगा आपका आई, एक डब्ल्यू करके एक आई लिख दीजिए, आप सही हुआ ठीक है। थोड़ा वीडियो इधर थोड़ा पॉज कर लेना और इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ा मसला हो गया था। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम सी डिलीट करके आपको एक आई हो जाएगा और एक डब्ल्यू हो जाएगा ठीक है, एंटर। उसके बाद 12 में जाइए, 10 में जाइए, सेम केस होगा, इधर सी को कट के आप आई कर दीजिए, एंटर। 12 में जाइए, सी को कट के आई कर दीजिए, आई कर दिया ठीक है। बस 16 पे जाइए, सेम डब्ल्यू एक हो जाएगा, एक आई हो जाएगा ठीक है। फिर सेम 20 में जाकर एक 12 हो जाएगा, एक आई हो जाएगा, सॉरी एक डब्ल्यू हो जाएगा, एक आई हो जाएगा ठीक है। 25 में भी सेम, एक डब्ल्यू और एक आई, और डब्ल्यू में एक 8 होगा ठीक है। फिर 28 में भी सेम होगा, एक आई होगा और एक डब्ल्यू होगा, और 32 में भी सेम। तो ऐसे करके और जो जो ई है वो सबको इजिकल टू क्या, पहले सबको बी कर दीजिए ठीक है। अब इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, मैं कॉपी पेस्ट किया तो मेरे से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, और कुछ नहीं, ज़्यादा घबराने का बात नहीं है ठीक है।
हो गया, ठीक है, वजह बी हो गया, ए डी को कट के आपको डब्ल्यू करना है और एक आई करना है, ठीक है, और इधर तक कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, सिंपली टोटल वेट नीचे में थोड़ा हो गया, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक ठाक। ये जब 10 हो जाएगा ना तो तब 10 में एंट्री होगा, जब 12 हो जाएगा तब 12 में एंट्री होगा, 16 हो जाएगा तो 16 में एंट्री होगा, ठीक है, ऐसे करके इसी इसलिए इधर कंडीशनल स्टेटमेंट में दिया हूँ। अब देखिए इधर क्या होगा, ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो ही गया, मैं फिलहाल फिर भी चेक कर लो एक बार, ठीक है, ताकि कोई गलत चीज़ ना रहे। आप मेरा इधर को आपको थोड़ा नीचे में आपको लिख देना है कि टोटल वेट, क्योंकि इसका समेशन होगा ना, टोटल वेट करना पड़ेगा, टोटल वेट कुछ देर सेल्स लेट कीजिए, मार्जिन सेंटर कीजिए और उसमें लिखिए आप टोटल वेट, टोटल लेंथ, सॉरी टोटल लेंथ इन मिलीमीटर, ओके इन मिलीमीटर, सॉरी नहीं ये मीटर में होगा क्योंकि मैं मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और ये इसमें होगा आपका मार्जिन सेंटर करके, ये होगा आपका एट द रेट के जी पर मीटर, क्योंकि ये आपका यूनिट तो देना पड़ेगा। अब ये क्या प्रॉब्लम हो गया, एट द रेट के जी पर मीटर, एंटर, ओके, ओ सॉरी, आपको एट द रेट के पहले कुछ कॉमा और डैश दे दीजिए, हाइफ़न दे दीजिए, तो मैं इधर एक इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर में मैं एक इन्वर्टेड कॉमा दे दे रहा हूँ ताकि वो देखिए हो गया, ठीक है, और इसे इधर आप लिख दीजिए कि वेट ऑफ बार, वेट इन मेट्रिक टन, और इसको आपको मार्जिन सेंटर कर दीजिए, सेल को सिलेक्ट करके आप मार्जिन सेंटर कर दीजिए, इधर आपको सबको 8 mm बार का जो यूनिट है वो आपको पुट कर देना है, एक मिनट रुकिए, वो फ्रीज कर दे रहा हूँ सेल को, ताकि ठीक है सेल को फ्रीज कर दिया मैंने, अब 8 mm का यूनिट है जो है 0.395, ये 0.40 क्यों हो गया, क्योंकि आपको सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल पे जाना है और आपका नंबर जो है उसका आपको 3 digit कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है, उसके बाद आपका 10 में होगा आपका 0.617, उसके बाद होगा 0.888, उसके बाद 60 में होगा 1.58, 20 में होगा आपका 2.47, 25 में होगा आपका 3.85, 18 में 28 पे होगा 4.83 और 32 में होगा आपका 6.31, ओके, ये आपको मेमोरी रखना है और इधर डाल देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अब देख लीजिए 0.395 कैसे आया आपका 8 mm के लिए 8 × 8 मतलब डी स्क्वायर, ठीक है, डी तो आपका इस गल 8 है ना, डिस्का भाई 162 कर दूंगा मैं, 162, अब इंटर लगाइए, देखिए ठीक है, ऐसे करके आया ये सब यूनिट वेट, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है, अब फिलहाल ये इतना तक हो गया, अब इधर समेशन करना है, ठीक है, ऑल्ट इज इक्वल टू एंटर, मैं पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि ऑल्ट इज इक्वल टू से आपका समेशन होता है, ठीक है, अभी इसको कॉपी करके पेस्ट, ठीक है।
सबका समेशन आ गया। अभी सर इधर वेट में मैट्रिक टर्म में कैसे होगा, इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन, एक साथ तीन ब्रैकेट में ओपन कर दिया है, ठीक है, एक दो ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, 8 × 0.395 प्लस 10 का जो है वो लेंथ 0.617 प्लस 12 का, और 12 का करस्पॉन्डिंग यूनिट वेट 16 का लेंथ, और 16 का करस्पॉन्डिंग यूनिट लेंथ यूनिट वेट 20 का, 20 का करस्पॉन्डिंग यूनिट वेट, सबको एक साथ प्लस करना पड़ेगा। ट्वेंटी का करस्पॉन्डिंग यूनिट वेट 25 का, सो एस 25, 28 एंड 32। ओके, उसके बाद आपको एंटर, उसके बाद ये तो हो गया आपका, सबको समेशन किया और इसको आपको डिवाइड बाई 1000 कर देना है, तो आपका मेट्रिक टर्म में ब्रैकेट दिए क्लोज कीजिए और डिवाइडेड बाई 1000 करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, डिवाइड बाई 1000 ये मेट्रिक टर्म में आ गया, कमा जीरो देना है क्या, नहीं देना है, ठीक है, तो कमा, अच्छा ठीक है, मैं एक कमा देकर मैं जीरो दे रहा हूँ, 3। इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, अब होगा वेट इंटू मेट्रिक टर्म में दिस इंटू दिस, मतलब समेशन के साथ आपको यूनिट वेट मल्टीप्लाई करना है, समेशन के साथ यूनिट वेट मल्टीप्लाई करना है, समेशन के साथ ऐसे करके आपको पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, कॉपी किया और उसके बाद सबको सेट करके पेस्ट कर दिया, देखिए एक साथ कॉपी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इधर तो अगर ऑल्ट इज इक्वल टू दिया तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल समेशन ले लिया, तो आपको क्या करना है, आपको देख लिया ये, तो मैं टोटल सेट करके होम टैब में जा गया, होम टैब में जाकर ऑटो सम पर क्लिक कर दिया, देखिए आप टोटल ले लिया समेशन, ओके, उसके बाद आपको जो करना है कि ऑल्ट इज इक्वल टू दबाना है, ठीक है, ऑल्ट इज इक्वल टू दबाना है और वो हॉरिजॉन्टल सम ले लेगा, ठीक है, ऐसा एंटर हो गया इतना तक। अब आपको क्या करना है, इज इक्वल टू देकर टोटल वेट इन मेट्रिक टन, तो वो वाला रो ही होगा, तो वो समेशन ही आपका टोटल वेट है, देखिए सीट प्रिपेयर्ड, ओके, अब आपको क्या करना है, पेज को सेट करना है, ठीक है, आपको पेज सेट करना है और फ्रीज में कुछ पौधा हुआ है ना, फ्रीज फ्रीज में कुछ प्रॉब्लम है तो वो फ्रीज में कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेट, फीस पेन कर दिया, अब देखिए, ठीक है, फीस पेन, अब ठीक हो गया, अब देखिए जिधर तक होगा उसका आपको फ्रीज पेंट करना है, ठीक है, उसका लास्ट रो तक, मतलब मैं टाइप तक मैं फ्रीज करना चाहता हूँ, मैं मुझको 8-2 जितना तक है मैं उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, 8-2 जितना तक है मुझे उसको सेलेक्ट करना है, सिर्फ उसी वाला रो को 8 जिस पर कंटेंट है,
आर्क को सिलेक्ट किया और मैं फ्रीज पेन का किया, फ्रीज किया दिया, ठीक है। अब देखिए ठीक हो गया। ओके अब इसमें क्या करना है आपको, 1000 का जो फैक्टर कमा देकर में होता है उसको आपको कर देना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। पूरा टोटल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपको होम में जाना है। होम में जाकर वो देखिए परसेंटेज के पास में जो कमा है ना, कमा वो कमा को दबा दीजिए, ठीक हो गया। देखिए डैश 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 हो गया, ठीक है, सब जीरो हट गया। लेकिन ये दो डिजिट जो हो जाएगा ना, उसको आपको एरो को क्लिक करके, जो कमा के पास जो एरो है उसी एरो को क्लिक करके आपको हटाना है और बढ़ाना है, ठीक है। सब देखिए दो डिजिट हो गया। तो मैं क्या किया, मैं सबको सिलेक्ट करके मैं वही उस एरो को लेकर मैं बढ़ा दिया। नहीं तो ये था फॉर्मर सेल में जाकर आप इसको 3 भी कर सकते हैं, और नहीं तो वो एरो को पकड़ के उसको आपको ड्रैग कर देना है, ड्रैग नहीं उसको बढ़ा देना है, ठीक है। सिलेक्ट सेट प्रिंट एरिया A4 साइज ऑल बॉर्डर्स थिक बॉक्स बॉर्डर्स, देखिए। और साइट का आइकॉन में चाहिए पेज सेटअप, मैं पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, मैं फिर भी दिखा दे रहा, एक पेज में आ गया ड्रैग करके। और ओरिएंटेशन को आपको लैंडस्केप पर करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखिए इतना छोटा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका परसेंटेज का आपको बनाना है, स्केल आ गया। अब इधर टाइलर 50 में बाहर जा रहे तो 48 कीजिए आ गया, थोड़ा 45 कीजिए तो और आएगा, 44 कीजिए 40 कीजिए तो चल गया, ठीक है, इतना तक आ गया। अब आपको क्या करना है, इधर लेयर जो साइज है फॉन्ट है उसको आपको बड़ा करना है, फॉन्ट को आपको बड़ा करना है, तभी आपको सब सही हो जाएगा। हो गया, ठीक है, इतना तक कंप्लीट। अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको एक चीज़ करना है कि उस पेज को आपको सेटअप करके पूरा ठीक से सेटअप करना है, क्योंकि वो ज़्यादा तक नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा रो ऐड कर देना है क्योंकि BBS के लिए बहुत सारा रो लगता है। ये दो को आपको सेट कर देना है फॉर्मेट सेल्स और माइनस पे, तो इसको फॉर्मेट करके आपको वो माइनस में जो था उसको सिलेक्ट कर देना है, तो वो चल जाएगा। अभी सबको सिलेक्ट करके आपको सेंटर अलाइन कर देना है, ठीक है, सबको सिलेक्ट करके आपको सेंटर अलाइन कर देना है। और इसको सबको अप पॉइंट तक ना ही रही है, ठीक है, सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा इससे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और प्रोसेस भी थोड़ा स्लो हो रहा है, तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये पूरा पेज जस्ट सेटअप करने का तरीका है, कुछ समझाने वाला चीज़ जो जो था मैं पहले बता दिया, अभी तो सिर्फ पेज सेटअप हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको सबको पकड़ के सेंटर अलाइन कर दिया मैंने, और फिट राइट और सिलेक्ट करके
रो इंसर्ट कर दिया मैंने और पिंट प्रीव्यू देखिए ऐसे दिखा रहा है लेकिन ओरिजिनली इधर रो है ठीक है। पिंट प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा है ठीक है लेकिन ऐसे रो है और BBS के लिए रो बहुत ही लगता है क्योंकि BBS बहुत बड़ा बड़ा होता है ठीक है। अब इसे मैं हीट एंड ट्रायल मेथड में सिर्फ प्रिंट एरिया दिखा रहा हूँ ठीक है। सिर्फ प्रिंट पेज सेटअप हो रहा है और कुछ नहीं इधर ठीक है। पेज लेआउट मार्जिन्स लेफ्ट में 0.25 टॉप में 0.25 बॉटम में 0.25 राइट में 0.25 ओके हॉरिजॉन्टल को चेक करके आप ओके कर दीजिए ठीक है। अब इस वीडियो को देखने चाहिए मैं आपको पेज सेटअप ही सिर्फ दिखा रहा हूँ इधर जो जो ABCD है सबको डबल क्लिक करके उसको छोटा कर दीजिए और ये जो 00 है ना 100.00 मैं चाहता हूँ उसको 100 ही रखूँगा सिर्फ इसलिए सबको सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट सेल्स नंबर्स और उसको ज़ीरो कर दिया मैंने। अभी ए पर डबल क्लिक बी का कलम पर डबल क्लिक सी का कलम पर डबल क्लिक ऐसे ऐसे करके सबको करने देना है जितना चाहे छोटा करना होगा। सेलेक्ट किया फॉर्मेट सेम एस उसको 2 को 0 कर देना है ठीक है हो गया। अभी आपको स्केल बढ़ा देना है 60 में चल जाए तो 58 58 हम नहीं हो रहा है तो 55 57 ऐसे करके 55 में हो जाएगा ठीक है हो गया। अब पेंट प्रीव्यू देखिए ऑलमोस्ट हो गया ठीक है। और बीच का जो रो दिखाई नहीं दे रहा है ना वो एक्चुअली है अगर पेंट जब लेंगे तब दिखाई देगा आपको पूरा थोड़ा कलर फलर दे रहा है ठीक है। साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए उसका कलर दे रहा है बड़ा हो गया ये ज़्यादा बड़ा ठीक है। अभी इसको सबको सिलेक्ट करके बड़ा कर देना है इस पर टोटल लिख दिया मैंने।
ठीक है। इसके बाद इसको मैं उसको 3 डिजिट तक दिखाना है। सेलेक्ट करके जब मैं फॉर्मेट पेंटर कर, अभी ये देखिए फॉर्मेट सेल जब किया और मैं इसको 3 कर दिया तो बाकी सब 0-0 आ गया, लेकिन मुझको ये सब हाइफ़न ही चाहिए। तो मुझको क्या करना है कि फॉर्मेट सेल पर जाना है और इसको 3 अगर किया तो देखिए 0 आ गया, फिर वापस से 0 आ गया, लेकिन मुझको हाइफ़न ही चाहिए। तो क्या करना है, तो इसको सबको सेट करके हाइफ़न कर देना है। उसके बाद जो ऊपर में देखिए कमा के पास जो है ना, उसको प्रेस कर देना है। ठीक है, ठीक है। को सिलेक्ट करके मुझको थोड़ा बड़ा देना चाहिए ताकि वो दिख सके सब। देखिए जे बड़ा हो जा रहा है। पॉइंट 0.004 मतलब ये 40 kg का है सिर्फ। ये पार्ट एक्चुअली दिखाने वाली चीज़ नहीं था, क्योंकि हर कोई को पेज सेटअप आता है। मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जितना तक हो गया था वो 30 मिनट्स में हम लोग का कंप्लीट हो गया। बाकी जो 20 मिनट का खेल है वो सिर्फ पेज सेटअप करने का खेल है। इधर उसमें कुछ कलर वगैरह दे दे रहा हूँ ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अच्छा लगे। और थोड़ा डार्क हो गया तो उसको मैं हल्का लाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑलवेज लाइट कलर देना, ठीक है ऑलवेज, ताकि वो जो कंटेंट है उसको ठीक से दिखा जाए। तो सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना चाहिए। उसके बाद 3 डिजिट 3 डिजिट आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बारबेंडिंग शेड्यूल के ऊपर मैं कुछ वीडियो लाने वाला हूँ। तो और सबको ड्रैग करके नीचे खींच देना है, ठीक है, ताकि वो पूरा फॉर्मूला कंटिन्यू रहे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं BBS के ऊपर कुछ टॉपिक ले आऊँगा, चेयर बर्ड, BBS ऑफ फुटिंग, BBS ऑफ कलर, BBS ऑफ बीम, BBS ऑफ सर्कुलर कलम, सॉरी सर्कुलर ट्रैंक। अभी देखिए इधर जीरो आ गया, तो सेट करके वो कॉमा में क्लिक कीजिए, दो डिजिट आ गया। अब ये दो डिजिट को कैसे ठीक करें, लेकिन हमको 3 डिजिट चाहिए, तो सिंपली कॉमा के राइट हैंड साइड में जो एरो है ना 0 और ऊपर 00, उसको दबा दीजिए, क्लिक कीजिए उस पर, देखिए 4 आ जाएगा, 3 डिजिट हो जाएगा उस पर। देखिए ठीक है, हो गया ना। तो टाटा गुड बाय, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं कुछ नया लेके आऊँगा, ठीक है।